खबर हुगली से है। हर साल की भांति इस वर्ष भी श्रावण के चौथे सोमवार के शुभ अवसर पर भदेश्वर तेलिनी पाड़ा मंदिर घाट से लेकर भदेश्वर नाथ मंदिर तक बाल कावड़ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कावड़ यात्रा का स्वागत करने के लिए क्षेत्र के सभी निवासी रास्ते पर नजर आए। करीब 20,000 से ज्यादा लोग इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। आयोजक ओम साव ने कहा, 11 वर्ष से हमारी कमेटी की ओर से सावन माह के चौथे सोमवार के शुभ अवसर पर आयोजित बाल कावड़ शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बांग्लादेश मौजूदा हालात को लेकर कहा कि सनातनी हिंसक नहीं होते। बांग्लादेश में हिंदू व अन्य धर्म के अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार से वहां अत्याचार किया जा रहा है, मैं उसके निंदा करता हूं। सनातनी सहनशील होते हैं, कायर नहीं होते। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी शस्त्र उठाने पर मजबूर हुए थे। वक्त आने पर सनातनी भी अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। हमारे शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा आन पड़ी तो शस्त्र उठाना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातनी सिर्फ अपना नहीं पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं। ये तकरीबन 11 सालों से ये बाल कांवर यात्रा भद्रेश्वर के इतिहास में ये अपने तरह का सबसे भव्य शोभा यात्रा है और आज हम सब मिलकर भद्रेश्वर नाथ मंदिर के पास जाकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। विशेषकर बच्चे लोग, तकरीबन 2000 बच्चे और 10,000 लोग इस बाल कांवर यात्रा में भाग लेते हैं। कांवड़ियों के लिए व्यवस्था क्या क्या किया गया? कांवड़ियों के लिए हम लोग प्रसाद में भगवान का जो प्रसाद होता है, पूरी सब्जी और पाइस का व्यवस्था रखे हैं प्रत्येक कांवड़ियों के लिए। और साथ ही साथ जो शोभा यात्रा है, जो बंगाल की जो संस्कृति है, आदिवासी नृत्य, जो यहाँ की जो संस्कृति है, उन सभी तमाम नृत्य को इस शोभा यात्रा में हम लोग दर्शाना चाहते हैं। भद्रेश्वर का विकास हो, भद्रेश्वर आगे बढ़े, भद्रेश्वर में सुख शांति अमन चैन बरकरार रहे, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, हर सनातन कहता है कि हम हिंसा से दूर रहते हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं बांग्लादेश का जो अभी मौजूदा हालात है, उसको लेके क्या कुछ? सनातन ये भी कहता है कि अगर आप पर अगर अत्याचार हो, आक्रमण हो, तो भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया था। अगर सनातनियों का ये आदर्श रहा है कि हम लोग सबको साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर चलते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि सनातनियों को जड़ से खत्म किया जाए, सनातनियों पर अत्याचार किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भगवान भोले की कृपा होगी और उसका जरूर प्रतिरोध होगा। विश्व को क्या संदेश देना चाहिए? अमन शांति वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, समस्त जाति के लोग, समस्त मानव जाति, प्राणी, वनस्पति सभी ईश्वर के रूप है और यही सनातन धर्म है और इसी को हम लोग पूजा करते हैं।